दूध गरम करके जाली से ढक दिया करो उसे। रशीदा चाय दो। बेगम उठ गई तुम्हारी? नहीं सो रही है। अरे उसे कोई तमीज सिखाओ, सुबह उठा करे, तुम्हें नाश्ता बनाकर दिया करे, 12-12 बजे तक पड़ी सोती रहती है। अब्बा कहाँ हैं, चले गए? हाँ चले गए। मैं कुछ कह रही हूँ राशिद। वो सना चूचू का मुरब्बा नहीं, पता नहीं क्या हुआ, सारी रात रोती रही, को पेट में गैस वैस हो गई होगी, इफ्रा जागती रही है, अब सो रही ना, आराम करे थोड़ी देर। वाह भाई वाह, बड़ी बेगम की तरफदारी हो रही है इस वक्त। हाँ तरफदारी नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ, बस पिए चाय। नहीं भाई नहीं, जाओ ऊपर जाओ, उसी के साथ बैठ कर पियो चाय। खाने कमरे में जा रहा हूँ, आ जाए। रशीदा चाय लेकर आओ मेरे लिए भी। चल, तबीयत कैसी? हाँ कुछ बेहतर। बेहतर तुम कह रही थी कि वो आप इफ्रा को मिलने को दिल चाह रहा था, इफ्रा की तरफ चलते हैं? हाँ चलते हैं, असल में तो आप उसे अपनी गाड़ी दिखा। ये तो है, लेकिन चलो खुश हो जाएगी। बस एक बार तुम्हारा ये ऑपरेशन हो जाए ना, तो बस उसके बाद ना मैं नए घर का करता हूँ बंदोबस्त, ठीक है? आ जाओ करीम। रशीदा इस पे पानी डालो। रशीदा 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 अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है उठ गई, कमरे से बाहर आ गई, तुम्हें एहसास हो गया कि दिन तो अल्लाह ने काम के लिए बनाया। रशीदा रशीदा क्या भाई, रशीदा रशीदा की रट लगा रखी है। नहीं है रशीदा? नहीं है, मगर अभी तो उसकी आवाजें आ रही थी, मुझे छुट्टी के कपड़े धुलवाने हैं। तो उसकी माँ बीमार थी, मैंने उसे छुट्टी पर भेज दिया। छुट्टी दे दी, मगर क्यों, काम का क्या होगा? मैं शादी से पहले घर के सारे काम तुम ही लोग करते थे ना, तुम्हारे माँ बाप की तो इतनी पसली नहीं थी कि कोई मुलाजमा कोई मासी रखते, तुम और समरा करती थी ना घर के सारे काम, तो यहाँ करते हुए क्या तकलीफ होती है तुम्हें? हाँ मगर आपके घर में तो हमेशा से मुलाजिमों का रिवाज रहा है, आपने तो कभी किसी मुलाजिम को छुट्टी दी ही नहीं, चाहे वो खुद ही क्यों ना बीमार पड़ जाए। आज रशीदा की माँ बीमार हुई तो आपने उसे छुट्टी दे दी। हाँ तो अपने काम खुद कर लोगी तो कोई घिस नहीं जाओगी तुम। और एक बात बता दूँ, आज तो मैंने नाश्ता बना दिया, कल से नाश्ता खाना आटा गूंदना बर्तन धोना झाड़ू पोछा लगाना सब तुम करोगे।